ये श्री मुरारजी देसाई और हमारे देश के शास्त्री जी की देन। ये छोटे छोटे स्वदेशी उद्योगों पर आज बहुत बुरी तरह से मार पड़ रही है। मार क्या पड़ रही है? शास्त्री जी की नीति थी छोटे स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने की, मुरारजी देसाई की नीति थी छोटे स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने की, लेकिन उसके बाद के जितने भी प्रधानमंत्री आए उन सब की नीति थी छोटे स्वदेशी उद्योगों को खत्म कर देने की। जितने भी प्रधानमंत्री आए, आप जितने भी नाम लेना चाहें वो ले सकते हैं, एक नाम को छोड़कर चौधरी चरण सिंह, क्योंकि वो अकेले एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी संसद का मुंह ही नहीं देखा। प्रधानमंत्री बने और थोड़े ही दिन में उनकी कुर्सी खिसक गई, सब चला गया, तो उनको तो मैं मानता नहीं, उनका तो इसलिए हम छोड़ सकते हैं, कोई उनके ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बेचारे इतने ज्यादा गलतफहमी के शिकार हुए कि जिस सरकार में पहले बहुत ऊंचे स्तर के मंत्री थे मुरारजी देसाई की सरकार में, उसी सरकार को गिराकर वो प्रधानमंत्री बने, और जिन्होंने सहयोग दिया था गिराने में उन्होंने कुर्सी खींच ली और वो बेचारे चित्त हो गए, तो उन्होंने तो संसद का मुंह ही नहीं देखा। बाकी जितने भी प्रधानमंत्रियों के नाम आप याद कर सकते हैं कर लीजिए, हरेक प्रधानमंत्री ने एक ही नीति बनाई, छोटे स्वदेशी उद्योगों को खत्म करना और विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देना। 1990-91 में इस नीति को एक नाम दिया गया, उसका नाम है उदारीकरण, दूसरा नाम दिया गया वैश्वीकरण, अंग्रेजी में कहा गया लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। तो ये उदारीकरण और वैश्वीकरण के नाम पर 1990 से सारे दरवाजे खोल दिए हमारे देश में और विदेशी कंपनियों को बुलाना अंधाधुंध शुरू कर दिया गया। शास्त्री जी ने कहा विदेशी कंपनियों को मत बुलाओ, मुरारजी देसाई ने कहा विदेशी कंपनियों की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे देश के शास्त्री जी और मुरारजी देसाई के बाद के प्रधानमंत्रियों ने कहा हम तो विदेशियों को ही बुलाएंगे। और ये जो बाद के प्रधानमंत्री आए, ये प्रधानमंत्री लगभग सभी पार्टियों से रहे, किसी के समर्थन से किसी के साथ सीधे, इनमें से कई प्रधानमंत्री तो ऐसे रहे कि लोगों के बीच में स्वदेशी का नारा लगाते रहे और प्रधानमंत्री बनते ही विदेशी कंपनियों को बुलाते रहे। कई प्रधानमंत्री तो ऐसे रहे, लोगों को स्वदेशी की बात करना और सत्ता में बैठते ही प्रधानमंत्री बनते ही समझौता विदेशी कंपनियों के लिए करना। इस तरह का धोखा देने वाले, पाखंड करने वाले प्रधानमंत्री आए इस देश में। उन्होंने क्या किया, इस देश में नीति बना दी उदारीकरण वैश्वीकरण, अब उनके आधार पर हजारों कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए। परिणाम क्या हुआ, आज इस देश में 5000 से ज्यादा कंपनियां घुस गई, जिनके नाम मैंने गिनाए, पेप्सी कोला, कोका कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, सीबागाईगी, सैंडोज, हेक्स, फाइजर, सीबागा, ये ऐसी 5000 से ज्यादा कंपनियां घुस गई। इन कंपनियों को घुसाने के लिए इन सारे प्रधानमंत्री और उनके जो सहयोगी नेता थे ना, उन्होंने चार तर्क दिए देश को, संसद के अंदर और संसद के बाहर। पहला तर्क उन्होंने दिया कि भारत को पूंजी की बहुत जरूरत है और देश में पूंजी का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें विदेशी पूंजी चाहिए और विदेशी कंपनी आएगी तो उसके साथ विदेशी पूंजी आएगी और देश का विकास उससे होगा। आप इस बात को समझने की कोशिश करो, देश में पूंजी की कमी क्यों है, पहले ये पता करो। अपने घर में किसी चीज की कमी हो जाए तो विचार करेंगे कि नहीं भाई हमारे घर में कमी क्यों है इस चीज की, और उसके बाद आप कोई नीति बनाएंगे कि अपने घर की कमी को दूर करने के लिए क्या किया जाए। तो देश के अंदर पूंजी की कमी क्यों आई है इस पर विचार करें। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा पूंजी का उत्पादन होता है धरती माता से, ध्यान रखिए ये धरती मैया है जो पूंजी उत्पादन करके देती है, दुनिया में कोई नहीं देता, और ये धरती मैया का बेटा है किसान जो पूंजी उत्पादन करके देता है, दूसरा कोई नहीं देता। तो पूंजी उत्पादन कम क्यों हुआ या पूंजी की कमी क्यों आई, क्योंकि धरती मैया के बेटे किसान का सबसे बड़ा अत्याचार और शोषण का इस देश में षड्यंत्र शुरू हुआ, जिसके चलते इस देश में पूंजी की कमी आई। किसानों का शोषण और षड्यंत्र जानते हैं क्या हुआ, आप में से कितने किसानों के बेटे हैं जरा हाथ उठाइए। हाँ हाँ,
सबके सब हैं, किसानों की बेटियां भी हैं सब। बहुत अच्छा, हाथ नीचे करिए। आपको मालूम है आज से 5-7 साल पहले तक, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, मात्र 5-7 साल पहले तक इस हिंदुस्तान के किसान को सबसे महंगा कर्ज मिलता था और उद्योगपतियों को सबसे सस्ता कर्ज मिलता था। मालूम है ये बात? आज से 5-7 साल पहले तक अगर किसान को ट्रैक्टर खरीदना हो खेती करने के लिए, बैल खरीदने हो खेती करने के लिए, तो कर्ज का ब्याज दर होता था 14%, 15%। याद है कुछ? 5-7 साल पहले तक 14-15% के कर्जे पर कर्ज हमें मिलता था, ब्याज भरना पड़ता था 14-15%। और उद्योगपति बड़े बड़े कारखानेदारों को कर्ज मिलता था 6%, 7%, 8%, 9%। किसानों को कर्ज मिलता था 14-15%, और किसानों को प्राइवेट बैंकों से कर्ज मिलता था 20-25% पर, और बेचारे कई किसान तो साहूकारों से कर्ज लेते थे 100% ब्याज दर पर। किसान इतना भोला भाला सीधा साधा है इस देश में जो कोई नहीं है। जो किसान में थोड़ी होशियारी और चालाकी होती तो एक भी बेईमान और भ्रष्टाचारी इस देश में राज नहीं कर पाता। ये किसान का भोलापन है कि बेईमान और भ्रष्टाचारी इस देश में राज करते हैं। किसानों को कई बार चक्रवर्ती ब्याज देना पड़ता था। मालूम है आपको? चक्रवर्ती ब्याज जो दुनिया में सबसे खतरनाक है। एक बार मैंने हिसाब निकाला था मेरे लिए कि मैं अगर अमेरिका से $1 का कर्ज ले लूं और $1 का चक्रवर्ती ब्याज उसका साल का मुझे भरना पड़ जाए तो 250 साल के बाद मेरा कुल कर्ज इतना हो जाता है जितना भारत की धरती, इतना वजन का सोना अगर अमेरिका को मैं वापस कर दूं तो कर्ज मुक्त नहीं हो सकता। वो चक्रवर्ती ब्याज पर कर्ज मिलता था किसानों को। साधारण ब्याज भी होती थी तो 14-15% की होती थी। और सरकारों की नीतियां कैसी होती थी? बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों को कर्ज उनके घर में देने के लिए बैंक अधिकारी जाते थे और किसान बेचारा बैंकों से कर्ज लेने के लिए अपनी एड़ियां और चप्पलें घिसता रहता था। 6-6 महीने, 8-8 महीने, 1-1 साल, 1.5-1.5 साल बैंक वाले उसको चक्कर लगवाते थे, मुश्किल से कर्ज मिलता था। और ये बैंक वाले भी फिर कैसी बेईमानी करते थे कि किसान को अगर 1,00,000 रुपए का कर्ज मिल गया तो बैंक मैनेजर और बैंक अधिकारी उसमें से 25,000 खा जाते थे, 30,000 खा जाते थे, किसान के हाथ में वही 50,000-60,000 आता था। ये शोषण हुआ किसानों का। दूसरा शोषण किसानों का क्या हुआ जिससे पूंजी उत्पादन कम हुआ, उसके कारण मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा शोषण यह हुआ कि भारत अकेला दुनिया का ऐसा देश है जहां पूंजी उत्पादन करने वाला समाज का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक, आप बताइए जो पूंजी उत्पादन करेगा वो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बाकी समाज तो पूंजी का उपभोग करने वाला है, पूंजी का उत्पादन करने वाला किसानों का समाज है, उसकी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा और सबसे ज्यादा सम्मान होना चाहिए था। क्या है? किसान इस देश में सबसे ज्यादा अपमान सहने वाला वर्ग है। किसान इस देश में सबसे ज्यादा अपमानित होने वाला वर्ग है। रेल की खिड़की पर टिकट लेने के लिए अगर लंबी लाइन लगी हो तो दुत्कारने वाले लोग उन लोगों में सबसे ज्यादा किसान ही पाए जाते हैं। किसानों को सब दुत्कारते, हट जाए यहां से, कहां आके खड़ा हो गया। जबकि ये आजाद देश है, उसका वो एक वोट का अधिकार है, मेरा भी एक वोट का अधिकार है। रेल की खिड़की पर टिकट लेने के लिए लाइन लगी हुई है, उसमें 2-4 किसान आके खड़े हो जाएं तो आगे और पीछे वाले अपनी नाक सिकोड़ लेते हैं कि ये कहां से आ गया। उनको ऐसा लगता है कि मंगल ग्रह से कोई प्राणी आ गया। और किसान ही वो वर्ग है जो इस देश की रेल में यात्रा करे तो भेड़ और बकरी से भी ज्यादा बदतर स्थिति में उसको यात्रा करनी पड़ती है। आप देखते हैं रेल के जनरल क्लास के डिब्बे जिनमें हमारे किसान जाते हैं, भेड़ बकरियों की तरह से ठूस ठूस कर पांव रखने की जगह नहीं होती है जिस डिब्बे में, उसमें इस देश का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग यात्रा करता है, जो पूंजी उत्पादन कर रहा है पूरे देश के लिए, जो अन्न उत्पादन कर रहा है पूरे देश के लिए।
राशन की लाइनों में सबसे ज्यादा अपमान किसी का होता है तो किसान का होता है, रेलवे की टिकट खिड़की के सामने अपमान होता है तो किसानों का होता है, बस की खिड़की के सामने टिकट लेने में अपमान सबसे ज्यादा होता है तो किसानों का, रेलवे स्टेशन पर अपमान होता है तो किसानों का, और रेल में चढ़ गया से कोई किसान स्लीपर क्लास के डिब्बे में चढ़ जाए साधारण टिकट लेके, तो इतने बेईमान टीटी हैं कि उसको ट्रेन से धक्का देकर फेंक देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। ये ताली बजाने की बात नहीं, सोचिए आप। मैं आपको सोचने के लिए कुछ मुद्दे दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ कुछ उदाहरण से समझा रहा हूं कि कितना अपमान हो रहा है हमारे देश के किसान का। पूंजी का उत्पादन क्यों कम हो रहा है इस देश में, उसका विश्लेषण कर रहा हूं मैं। पूंजी जहां से पैदा होती है और पूंजी को पैदा करने वाला जो वर्ग है उसका हर समय अगर आप अपमान करोगे तो पूंजी का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, जरा बताओ। और इस देश में सबसे ज्यादा असुविधाओं में काम करने वाला वर्ग कोई है तो किसान है। हमारे देश में 6,38,000 गांव हैं लगभग। आप जानते हैं इनमें से 60% गांव में बिजली नहीं है, 4,00,000 गांव में बिजली नहीं है। बिना बिजली के हमारा किसान रहता है। मेरा जन्म अलीगढ़ के पास एक छोटे से गांव में हुआ, अतरौली तहसील में। मेरे गांव में बिजली नहीं है और दिल्ली से मात्र 170-180 किलोमीटर की दूरी पर है मेरा गांव, बिजली नहीं है। हमारे देश के 4,00,000 गांव में बिजली नहीं है। रात के अंधेरे में किसान अपनी जिंदगी बिताता है। हम यहां एसी में बैठे हैं, पंखा चल रहा है, हमारे देश के करोड़ों किसानों को पंखा और एसी की हवा का सुख उपलब्ध नहीं है। वो टैक्स पेयर हैं इस देश के, आप भी टैक्स पेयर हैं, वो भी टैक्स पेयर है। वो भी आपको पूंजी उत्पादन करके दे रहा है जो आप नहीं दे पा रहे हैं, अन्न पैदा करके दे रहा है जो आप नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी उसको बिजली नहीं है। और बिजली नहीं है तो पानी नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, डीजल भी मिलता है उस किसान को तो 35 रुपए लीटर का, जो बनता है 12 से 15 रुपए लीटर का। अगर 12-15 रुपए लीटर के बीच में डीजल उत्पादन हो जाता है जो कंपनियां बताती हैं अपने आंकड़ों से, तो किसानों को वो 35 रुपए लीटर में क्यों दिया जाता है। जो किसान आपको लाखों करोड़ों रुपए की पूंजी पैदा करके दे रहा है उसके लिए आप इतनी सुविधाएं भी नहीं कर सकते। डीजल उसके लिए महंगा, यूरिया डीएपी आपने बहुत महंगा कर दिया, सुपर फॉस्फेट उसके लिए महंगा कर दिया, उसकी जिंदगी का हर चीज जो वो बाजार से खरीद रहा है महंगा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, यहां आप में से कई लोगों ने अपने हाथ उठाए हैं, माफ करिएगा अगर आप किसान के बेटे हैं तो आपको इस शिविर में आने और जाने के लिए कम से कम 2 बोरा गेहूं बेचना पड़ेगा तब आप शिविर में आ सकेंगे। कितने किसानों को 2 बोरा चावल बेचना पड़ेगा तब आसाम से चलकर वो यहां हरिद्वार तक शिविर में आएंगे। 2 बोरा जिसका चावल बिक जाएगा, उस 2 बोरे चावल में कोई परिवार कम से कम साल भर खाना खाएगा, उतना 2 बोरा चावल बेचकर वो कुछ 1,000-1,200-1,500 रुपए पाएगा तब यहां शिविर करने आएगा। और वही किसान को लाइफ बॉय साबुन 15 रुपए का बेचा जाएगा, उसका गेहूं 11 रुपए में बिक जाएगा। साबुन खरीदेगा तो 15 रुपए का, गेहूं बेचेगा तो 11 रुपए का। 1 किलो गेहूं बेचकर 1 साबुन नहीं खरीद सकता। इस देश के किसान पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, आप सोच सकते हैं? वो 1 किलो गेहूं बेच के 1 साबुन नहीं खरीद सकता, 1 किलो गेहूं बेचकर 1 वॉशिंग पाउडर 1 किलो का डब्बा नहीं खरीद सकता। मतलब क्या है, उद्योगों में पैदा होने वाली चीजें किसानों को इतनी महंगी बेची जाती हैं और किसानों का पैदा होने वाला गेहूं उनसे इतना सस्ता खरीदा जाता है, तो किसान हर चीज सस्ती बेचेगा और बाजार से हर चीज महंगी खरीदेगा तो हमेशा वो घाटे में रहेगा। और जो वर्ग घाटे में रहेगा वो पूंजी उत्पादन कैसे करेगा, बताइए मुझे। तो पूंजी की कमी तो ऐसे हुई है इस देश में। हमने पूंजी पैदा करने वाले वर्ग का अपमान किया,
हमने पूंजी पैदा करने वाले वर्ग को कोई सुविधा नहीं दी, उसके बच्चों को कोई सुविधा नहीं दी, बिजली की सुविधा उसको नहीं, सड़क की सुविधा उसको नहीं, पानी की सुविधा इसको नहीं। कितनी किसानों की मां बहन बेटियां हैं जो एक एक बाल्टी पानी लाने के लिए 10-10 किलोमीटर पैदल चलती हैं इस देश में। मैंने देखा है अपनी आंखों से, मैंने संपूर्ण भारत देश का भ्रमण किया है, एक नहीं दो नहीं हजारों गांवों में मैंने ये दृश्य देखा है कि किसी माता को किसी बहन को एक बाल्टी पीने का पानी लाने के लिए 3 किलोमीटर से 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, तब उसको एक बाल्टी पानी मिलता है। सवेरे 3:30 बजे उठती है, एक बाल्टी पीने का पानी लाती है, सवेरे का खाना बनाती है, फिर खाना बना के एक बाल्टी पानी के लिए निकलती है, फिर एक बाल्टी पानी लाती है, दोपहर का खाना बनाती है, फिर दोपहर का खाना बना के एक बाल्टी पानी के लिए निकलती है, शाम को वापस आती है। 3 बाल्टी पानी लाने में उसका 24 घंटे में से 12 घंटे खर्च होता है। और फिर वही माताएं पानी के लिए जहां इकट्ठी होती हैं, वहां पहले पानी उनको मिल जाए उसके लिए लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं और उसमें एक दूसरे के सिर फोड़ दिए जाते हैं। किसानों को क्या सुविधा मिल रही है? उनके घर के सामने उनको पीने का पानी नहीं मिलता, उनको चलने को सड़क नहीं मिलती, उनके घर में उनकी मां का बहन का बेटी का प्रसव हो, बहन और बेटियों का प्रसव हो, तो दाई की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है। कैसे बच्चे पैदा होते हैं आपको मालूम है? आधे से ज्यादा बच्चे होते हैं जो पैदा होते ही या तो मां को तकलीफ दे देते हैं या वो खुद तकलीफ पा जाते हैं। इतनी असुविधाओं में रहने वाला किसान आज भी उत्पादन कर रहा है 21 करोड़ टन, तो ये उसको बधाई है, उसको साधुवाद है, उसको चरण छूने का मन करता है, उसके चरणों में सिर झुकाने का मन करता है। इतनी असुविधाओं में रहने वाला किसान आज भी अन्न पैदा कर रहा है। आपको थोड़ी असुविधा हो जाए तो आप कितने तिलमिला जाते हैं। यहां 1 घंटे के लिए बिजली चली जाए तो तूफान हो जाता है और वहां घंटों घंटों अंधेरे में वो जिंदगी बिताते हैं, चुपचाप अन्न पैदा करते चले जाते हैं, कभी उफ नहीं करते, कभी बस नहीं करते। इतनी असुविधाएं, इतने शोषण के बीच दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जिसके बारे में आप मुझे बताइए जो पैदा करने वाली चीज का भाव खुद तय ना करे? ऐसा कौन सा आदमी? एक ही है, वो किसान है और कोई नहीं। जूते बनाने वाला मोची भी अपने जूते का भाव खुद तय करता है और आपके साथ बार्गेन करता है, मेरा जूता 250 रुपए का है, लेना है लो नहीं तो चले जाओ। किसान बेचारा ये भी नहीं कर सकता कि मेरा गेहूं 1 रुपए का है, लेना है ले लो नहीं तो आगे चले जाओ। किसान ना गेहूं का भाव तय कर पाता है, ना चावल का, ना चने का, ना दाल का, ना मटर का, ना तिलहन का, ना दलहन का। कोई भाव तय करने का अधिकार सरकार ने किसानों को नहीं दिया है। किसानों की वस्तुओं का भाव वो लोग तय करते हैं जो कभी किसान के बेटे नहीं रहे, जिन्होंने कभी खेती नहीं की, जिनको ये भी नहीं मालूम गेहूं का पौधा होता है कि पेड़ होता है। मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, एक कमीशन है भारत सरकार का बनाया हुआ, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन करके, ये अंग्रेजों ने शुरू किया था। ये किसानों की फसल का भाव तय करता है, इसमें एक सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होता है, वो तय करता है कि गेहूं 1100 रुपए क्विंटल खरीदा जाएगा, चावल 700-800 रुपए क्विंटल, जो भी तय होता है वो सेक्रेटरी तय करता है। एक बार एक सेक्रेटरी को मैंने पूछा था, नाम नहीं बताता क्योंकि उसकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, उसको मैंने पूछा आप कौन है, तो उसने कहा एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन का सेक्रेटरी। तो क्या काम है? तो उसने कहा भाव तय करता हूं मैं गेहूं का, चावल का, चने का, मटर का। तो मैं पूछा गेहूं का भाव कैसे तय करते हैं? तो उसने कहा गेहूं का भाव तय करना बहुत आसान है, पिछले साल का जो भाव होता है उसमें इन्फ्लेशन रेट जोड़ देता हूं, नया भाव तय हो जाता है, बहुत आसान। फिर मैंने कहा पिछले साल का? तो उसने कहा उससे पिछले साल का भाव लेता हूं, इन्फ्लेशन जोड़ देता हूं। तो उसने एक थ्योरी बता दी। तो मैं पूछा भाई सबसे पहले साल का भाव तय किया उसका कैसे किया था? तो उसने कहा उसका ऐसे किया था कि यूरिया की कीमत, डीएपी की कीमत, सुपर फॉस्फेट की कीमत लगाई, बीज की कीमत लगाई, पानी का खर्चा जोड़ दिया और ये सब तय कर दिया। मैं पूछा किसान की मेहनत? तो उसने कहा मेहनत क्या, किसान तो अकुशल श्रमिक है, उसकी मेहनत का क्या है? इतना मुझे करारा चांटा लगा गाल पर जो उसने मुझे कहा। उसने कहा किसान की मेहनत का क्या?
वो तो अकुशल श्रमिक है, अनस्किल्ड लेबर है। अनस्किल्ड लेबर की कीमत तो हमारे यहां लेबर से भी कम है। रोजनदारी पर जो आप मजदूर लेते हैं उसको क्या देते हैं? 60-70 रुपए। मिनिमम गारंटी योजना में कितना? 100 रुपए। तो जो आप 60-70 से 100 रुपए देते हैं उससे भी कम कीमत किसान के श्रम की तय होती है, आपको मालूम है, जब गेहूं का भाव तय होता है। तो मैंने उस अधिकारी को पूछा कि आपको यह किसने बताया कि किसान का श्रम अकुशल है, अनस्किल्ड है? किसने बताई, किसने बनाई ये डेफिनेशन? तो उसने बेशर्मी से कहा, अंग्रेजों ने। अंग्रेज तय करके गए कि इस देश में किसानों का श्रम अनस्किल्ड माना जाएगा तो उसकी कीमत सबसे कम रहेगी, इसलिए किसानों के गेहूं की कीमत साबुन से भी कम रहती है, किसानों के चावल की कीमत वॉशिंग पाउडर से भी कम रहती है, किसानों की दालों की कीमत फेयर एंड लवली क्रीम से भी कम रहती है। आप सोचो ना, कितना बड़ा शोषण है। 1 किलो वॉशिंग पाउडर खरीदें तो 1 किलो दाल भी नहीं आएगी, उतने में 1 किलो वॉशिंग पाउडर की कीमत है इस देश में। 75 ग्राम की साबुन 12 से 25 रुपए। 75 ग्राम है वो, 1 किलो नहीं है। एक तो साबुन 75 ग्राम है 40 रुपए का, डव। अब 40 रुपए का 75 ग्राम लगभग 50 का 100 ग्राम हो गया, 1 किलो 500 रुपए का। और गाय का घी मिलता है 1 किलो 150 से 200 रुपए का। तो किसान गाय का घी पैदा करके 150-200 रुपए किलो बेचे और कंपनियां साबुन पैदा करके 500 रुपए किलो बेचे, ऐसा शोषण चल रहा है। प्राइसेस में पैरिटी नहीं है, समानता नहीं है, मूल्यों में समानता नहीं है। और एक बात और बताते, जो गेहूं में पानी दिया जाता है उसका मूल्य लगता ही नहीं राजू, बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि मैंने एक जगह पूछा कि 1 किलो गेहूं पैदा करने के लिए पानी कितना लगता है, तो उसने तो पानी की क्वांटिटी बताई, उसने निकाला था वो इतना ज्यादा पानी था, यदि उसका पैसा पानी का 10 पैसे लीटर भी लगाए तो गेहूं का दाम के बराबर हो। माने वो जो पानी हम जो आज 10-12 रुपए लीटर खरीदते हैं, किसान के पानी का मूल्य 10 रुपए भी उसको नहीं मिलता है, जो 200-250 फीट नीचे गड्ढा खोद के और मोटर लगा के निकालते। तो आप किसान को कोई मूल्य देते हैं उसकी कीमत उसको वाजिब नहीं मिलती है। गेहूं का भाव 11 रुपए किलो क्यों है, चावल का भाव 12-15 रुपए किलो क्यों है? ये इसलिए है कि किसान के द्वारा पैदा की गई वस्तु का भाव वो खुद तय नहीं करता, उसकी मेहनत की सही कीमत उसमें नहीं लगाई जाती। और देखो कैसा शोषण और विडंबना इस देश में है कि किसान आज अगर खेत में काम करे तो उसकी मजदूरी की कीमत अनस्किल्ड लेबर वाली है 100 रुपए रोज या 60-70 रुपए रोज। और वही किसान अगर खेती छोड़ दे, खेत बेच दे, गांव छोड़कर शहर चला जाए और किसी बैंक में चपरासी हो जाए तो उसकी रोज की जो कीमत है श्रम की वो 500 रुपए से ज्यादा हो जाती है, कभी कभी 700 रुपए हो जाती है। छठे वेतन आयोग के बाद, 6th pay commission के बाद तो वो लगभग 700-800 रुपए है। अब बैंक में चपरासी हो जाए किसान अपना खेत बेचकर तो उसको एक दिन का श्रम मिलेगा, एक दिन का मूल्य मिलेगा 700-800 रुपए, और वो खेत में अपनी हड्डी तोड़े और अपने पांव गलाए और इस देश के लिए पूंजी उत्पादन करके दे तो एक दिन का श्रम का मूल्य है सिर्फ 100 रुपए। आप सोचिए इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा। तो आप उसको अगर बैंक के चपरासी के बराबर का श्रम मूल्य देना शुरू कर दें तो गेहूं का भाव बढ़ जाता है। मैंने एक दिन हिसाब निकाला था, अगर किसी बैंक के चपरासी को सरकार जो एक दिन का वेतन देती है, गेहूं पैदा करने वाले किसान का एक दिन का श्रम भी उसके बराबर नाप लिया जाए तो गेहूं बिकेगा 5,000 रुपए क्विंटल, चावल बिकेगा 6,500 से 7,000 रुपए क्विंटल, कपास बिकेगी इस देश में 10 से 12,000 रुपए क्विंटल, मूल्य तय हो जाएगा उसका। तो मैंने उस सेक्रेटरी से कहा कि भाई आप उनको श्रम का मूल्य उतना क्यों नहीं देते जो बैंक के चतुर्थ क्लास कर्मचारी को आप देते हो, किसान तो उससे बड़ा काम कर रहा है, बैंक का चपरासी तो कुछ काम नहीं कर रहा है, बंदूक लेके दरवाजे पर बैठा हुआ है, बंदूक कभी चलाता नहीं है और कभी उससे चलती भी नहीं है, और जब चलाने का वक्त आए तो छोड़ के भाग लेता है। बैंक डकैतियां होती हैं तो कैसे होती है मालूम है, चपरासी सबसे पहले भाग लेता है,
जो बंदूक चलाने के लिए दी गई है और उसके लिए जो उसको पैसा मिलता है, जब चलाने का नौबत आता तो बंदूक छोड़ के भाग लेता है, उसको आप 700-800 रुपए रोज का दे रहे हो, और जो किसान अपनी हड्डियां गला रहा है और देश के लिए पूंजी उत्पादन और अन्न उत्पादन करके दे रहा है, उसको दिन की मेहनत 100 रुपए, 80 रुपए, 70 रुपए, 60 रुपए। ये सबसे बड़ा तमाशा है। हमारे देश में 3 क्षेत्र हैं। एक है सर्विसेज का सेक्टर। सर्विसेज आप समझते हैं, बैंक है, बीमा कंपनियां हैं, रेल है, पब्लिक सेक्टर है, ये एक सर्विसेज सेक्टर है। दूसरा है प्रोडक्शन का सेक्टर, इंडस्ट्री का सेक्टर है, जिसमें कारखाने चलाने वाले लोग हैं। और तीसरा है कृषि का क्षेत्र है। तो उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और सेवाओं के क्षेत्र में मिलने वाला श्रमिक मूल्य तीनों जगह अलग अलग है और जमीन आसमान का अंतर है। कृषि का मूल्य सबसे कम है, उद्योगों का उससे ज्यादा है और सर्विसेज का उससे भी ज्यादा है। मैंने कंप्यूटर चलाना सीख लिया, टाइपिंग ही तो है ना, और वो टाइपिंग करने के लिए अगर मैं थोड़ा मास्टर हो गया तो एक एक दिन का मेरा श्रमिक मूल्य हजारों रुपए में बैठता है। आपको मालूम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए के पैकेज पे नौकरी मिलती है, तो उसका श्रमिक मूल्य रोज का 1000-1200-1500 रुपए, 8 घंटे काम कर रहा है, शरीर नहीं तोड़ रहा है, खाली कुर्सी पर बैठा हुआ है, एसी चल रहा है, गाड़ी में आता है, गाड़ी में जाता है, और उसका एक दिन का श्रमिक मूल्य आप हजारों में गिनते हैं। और जो किसान अपनी हड्डियां गलाता है, कमर तोड़ देता है, जिंदगी पूरी होम कर देता है, उसका श्रमिक मूल्य आप एक दिन का 100 रुपए भी नहीं गिनते। जब इतना शोषण होगा तो पूंजी उत्पादन में कमी आएगी। और पूंजी उत्पादन में कमी क्यों आई है इस देश में? हिंदुस्तान में आजादी के पहले जब खेती करने वाला किसान था ना, तो 1 एकड़ में 56 क्विंटल चावल पैदा कर लेता था। इतनी उपजाऊ जमीन थी हमारी। 1 एकड़ में 56 क्विंटल चावल, 1 एकड़ में 25-30 क्विंटल गेहूं, 1 एकड़ में 90 मीट्रिक टन गन्ना, 1 एकड़ में 7-8 क्विंटल कपास। इतनी उपजाऊ जमीन थी हमारी अंग्रेजों के पहले। फिर अंग्रेजों के आने के बाद ये यूरिया डीएपी का चक्कर शुरू हुआ, और आजादी के बाद तो बहुत भयंकर पैमाने पर यूरिया डीएपी का चक्कर शुरू हुआ। इसमें जमीन खराब होती गई, बंजर होती गई, हमारी जमीन पत्थर जैसी हो गई है। मालूम है एक जमाना था कि इस देश की जमीन की मिट्टी पर पांव रखो तो ऐसा लगता था कि जैसे नए बने हुए रुई के गद्दे पर पांव रखकर आप चल रहे हैं। इतनी नरम, इतनी कोमल और इतनी मुलायम मिट्टी हुआ करती थी इस देश की। फिर क्या हुआ, मिट्टी में यूरिया डीएपी डाल डाल के और किसानों का दिमाग खराब किया हमारे देश के उन अधिकारियों ने और वैज्ञानिकों ने जो यूरिया डीएपी कंपनियों के एजेंट थे, जिनका एक ही उद्देश्य था यूरिया की बिक्री को बढ़ावा देना, डीएपी की बिक्री को बढ़ावा देना। इन यूरिया डीएपी कंपनियों के एजेंटों ने किसानों का दिमाग ऐसा घुमाया कि खेत में यूरिया डीएपी डलवाया, फिर धीरे धीरे खेत को नशा लग गया। जैसे शराबी आदमी को शराब का नशा लगता है, वैसे ही मिट्टी को यूरिया डीएपी का नशा लग गया। फिर हालत ऐसी हो गई कि मिट्टी में बिना यूरिया बिना डीएपी अन्न पैदा ही ना हो, तो किसान ने कट्टे पे कट्टा यूरिया डालना शुरू किया। पहले 1 कट्टा, फिर 2 कट्टा, फिर 3, फिर 10, फिर 15, फिर 20, अब बोरे के बोरे यूरिया पड़ते हैं। मिट्टी पूरी बंजर हो रही है, खराब हो रही है, पत्थर जैसी कठोर हो रही है। अब उसमें उत्पादन भी कम हो रहा है तो पूंजी का निर्माण भी कम हो रहा है। इस कारण से पूंजी की कमी आई है इस देश में। आपको मालूम है हमारे देश की सरकार के बजट का सबसे कम हिस्सा किसानों पे ही खर्च होता है। बजट का सबसे कम हिस्सा हमारे देश की सरकार के पिछले 15 साल के बजट का मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया। पिछले 15 साल में हर साल खेती और किसानों के लिए खर्चा कम होता जा रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। तो किसानों को सब मदद करोगे नहीं, उनको मदद दोगे नहीं, उनको सुविधाएं दोगे नहीं, उनका सम्मान करोगे नहीं, हर समय हर क्षण उनका अपमान करोगे, तो किसान फिर बेचारा पूंजी उत्पादन के काम में जो लगा हुआ है वो उससे भटकेगा,
वो उससे अलग हटेगा या कम करेगा, इसलिए पूंजी की कमी हुई है इस देश में। और उस पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए हमारे ये मूर्ख नेता, जिनको मैं मूर्ख शब्द में कहना चाहूंगा, क्योंकि जहां पूंजी मूल रूप से पैदा हो रही है उस किसान की मदद तो नहीं कर रहे हैं, उस पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए विदेशी कंपनियों को दरवाजे खोलकर बुला रहे हैं, आओ आओ हमको पैसा दो। ये कुछ ऐसा किस्सा चल रहा है, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। एक मरीज है, वो बीमार हो गया। अब बीमार हो गया तो उसको खून की कमी हो गई, तो क्या करोगे? तो आप कहोगे खून की बोतल चढ़ाओ। एक बोतल चढ़ाई, दो बोतल चढ़ाई, तीन बोतल चढ़ाई, फिर मरीज थोड़े दिन में ठीक हो गया, फिर बीमार हो गया, फिर क्या करोगे? फिर एक बोतल चढ़ाओ, फिर दो बोतल चढ़ाओ, फिर ठीक हो गया, फिर बीमार हो गया, तो ये बोतल कब तक चढ़ाओगे बताओ ना? होशियारी क्या है, इंटेलिजेंसी क्या है, कि आप मरीज की हालत ऐसी बनाओ कि उसका खून खुद बनने लगे शरीर में। ये बाहर के खून की बोतल कितने दिन तक चढ़ाओगे उसके शरीर को? हमारे देश को पूंजी की कमी हो गई मान लिया मैंने, तो ऐसी व्यवस्थाएं बनाओ जिससे पूंजी ज्यादा पैदा हो इस देश में। ये क्या तरीका है कि बाहर से उधार की पूंजी लेके आओ और इस देश के मरीज, जो बीमार मरीज इस देश की अर्थव्यवस्था है, उसको बाहर के खून की बोतल चढ़ाओ? और कितने दिन चढ़ाओगे बाहर के खून की बोतल? एक दिन मर जाएगा। बाहर के खून पर कितने दिन किसी मरीज को आप जिंदा रख सकते हैं बताइए ना? अच्छे से अच्छे डॉक्टर से पूछ लीजिए कि आप बाहर के खून की बोतल चढ़ा के किसी मरीज को कितने दिन जिंदा रखेंगे? एक महीना, दो महीना, पांच महीना, साल भर, एक दिन मर जाएगा। ज्यादा अच्छा तरीका और होशियारी का तरीका यह है कि उस मरीज को जिसको खून की कमी हो गई है, ऐसा कुछ करो कि उसके शरीर में ही खून बनने लगे। तो भारत के बारे में मैं यही कहता हूं कि पूंजी की अगर कमी हो गई है तो व्यवस्थाएं ऐसी बनाओ कि हमारे ही देश में पूंजी निर्माण होने लगे। बाहर से पूंजी लेके क्यों आए? और हमारी सरकारें आजकल उस रास्ते पर हैं, जो मरीज मरने वाला है और खून की बोतल पे बोतल चढ़ाए चली जा रही हैं, एक दिन सब खत्म हो जाने वाला है। सरकारें कहती हैं पूंजी की कमी है तो बाहर से पूंजी लानी है। पूंजी की कमी क्यों आई है उसका कारण मैंने बहुत विस्तार से आपको समझाया, और ये इतने विस्तार से इसलिए समझाया कि आप हमारे भारत के नागरिकों को ये समझा सकें कि पूंजी की कमी इस देश में क्यों हुई, कारण क्या है उसका। और चूंकि आप सब किसान और खेती से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए आपको अपने अपमान का एहसास हो सके, इसलिए मैंने कुछ चुटीली और कड़वी बातें आपके सामने कही। मेरा कोई लक्ष्य नहीं है आपका दिल दुखाने का, लेकिन मैं जरूर चाहता हूं कि आपकी चेतना को झकझोर सकूं कि इतना अपमान आप 60-62 साल से सहन कर कैसे रहे हैं इस देश के उत्पादक होने के नाते, और वो भी पूंजी उत्पादक होने के नाते। बगावत क्यों नहीं कर देते आप इस व्यवस्था के खिलाफ? तो अब हमारे देश में यह पूंजी की कमी हो गई तो सरकारों ने कहना शुरू किया विदेशी कंपनियों को बुलाओ, तो विदेशी कंपनियां आती हैं और पूंजी लेके आती हैं। यह सरकार हमारी संसद में कहती है, संसद के बाहर कहती है। इस झूठ पर मैंने पिछले 18 साल बहुत रिसर्च किया, 18 साल से मैं लगा हुआ हूं इस काम में कि कौन कंपनी आती है और कितनी पूंजी लेके इस देश में काम शुरू करती है। तो मैं आपको नाम लेके पढ़ के बताता हूं। हमारे देश में जो 5000 सबसे बड़ी विदेशी कंपनियां हैं दुनिया के देशों की, उसमें सबसे लूटखोर कंपनी है हिंदुस्तान लीवर। इसका असली नाम है यूनिलीवर। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई यहां भी। और ये इतनी बेईमान कंपनी है कि जिस देश में घुसती है उसी देश का नाम अपने साथ लगा लेती है। जैसे हिंदुस्तान में आई तो हिंदुस्तान लीवर, पाकिस्तान में इस कंपनी का नाम है पाकिस्तान लीवर, श्रीलंका में इसका नाम है सीलोन लीवर, इंडोनेशिया में इसका नाम है इंडोनेशिया लीवर। तो नागरिकों को ऐसा लगता है कि ये तो अपने ही देश की कंपनी है, वो विदेशी है। मूल नाम है यूनिलीवर, यहां पर अभी इसने नाम बदल के रखा हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये मूलतः हॉलैंड और ब्रिटेन के उद्योगपतियों की संयुक्त कंपनी है। इसमें मूल पूंजी ब्रिटेन की है और हॉलैंड की है।
ये कंपनी भारत में आई है धंधा करने। जब कोई कंपनी धंधा करने आती है ना, तो सबसे पहली बार धंधा शुरू करने के लिए जो वो पूंजी लगाती है उसको अंग्रेजी में कहते हैं इनिशियल पेड अप कैपिटल, मूल चुकता पूंजी हिंदी में अगर कहूं तो। इसका अर्थ समझ लीजिए, व्यापार शुरू करने के लिए जो पूंजी लगाई जाती है, माने उनके देश से आने पर जो वो पूंजी लाती है, ये मतलब है। जैसे कोई विदेशी कंपनी आई, उसने भारत में जमीन का कोई टुकड़ा खरीदा, तो टुकड़ा खरीदने के लिए जो पैसा लगाया उसने वो अपने देश से लेके आई, तो वो पूंजी भारत में आई, ये कहा जाता है ना, उसी को विदेशी पूंजी कहते हैं। तो जब कोई कंपनी धंधा और व्यापार शुरू करने के लिए आती है और मूल पूंजी जो वो अपनी भारत में लगाती है, फिर उसमें से धंधा शुरू होता है, फिर उस धंधे में से मुनाफा कमाती है, फिर उस मुनाफे को दोबारा पूंजी के रूप में लगाती है, फिर वो मुनाफा कमाती है, फिर मुनाफे को पूंजी के रूप में लगाती है, उसको कहते हैं बोनस और शेयर कैपिटल। ठीक है, तो मुख्य होती है इनिशियल पेड अप कैपिटल। जब आप शुरू शुरू में भारत में धंधा करने आए विदेश से, तो आपने कितना पैसा लगा। तो हिंदुस्तान लीवर जब हिंदुस्तान में आई और इसने सबसे पहली साल जब धंधा शुरू करने के लिए पूंजी लगाई, तो वो पूंजी मात्र कितनी है अंदाजा लगा सकते हैं? आप कहेंगे करोड़ों में होगी, कुछ करोड़ों में नहीं है, मात्र 24 लाख रुपए की पूंजी से इसने धंधा शुरू किया इस देश में, हिंदुस्तान लीवर, सिर्फ 24 लाख। ये विदेशी पूंजी निवेश है, जो बाहर से कहते हैं ना वो पैसा लेके आएंगे हमारे देश को बढ़ा। हमारे देश का बजट पता है 8.5 लाख करोड़ का है, और हिंदुस्तान लीवर ने इस देश में धंधा शुरू किया तो पूंजी लगाई है 24 लाख रुपए, और 24 लाख रुपए से धंधा शुरू करके ये हिंदुस्तान लीवर कितना बड़ा मुनाफा कमाती है इस देश में वो भी बता देता हूं। पिछले साल इस हिंदुस्तान लीवर ने सारे देश में 14,740 करोड़ रुपए का माल बेचा, पिछले साल माने 2007-2008 में। क्या क्या बेचती है ये? लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, व्हील, रिन, फेयर एंड लवली इसी का है, क्लोजअप इसी का है, ऐसे 50-60 आइटम है इसके। तो 14,740 करोड़ रुपए का माल बेचा, इनिशियल पेड अप कैपिटल ध्यान रखिएगा सिर्फ 24 लाख रुपए है। आई कब थी? हां, ये कंपनी आई थी हिंदुस्तान में सन 1933 में। 1933 से आके इसने धंधा शुरू किया 24 लाख रुपए का इनिशियल पेड ऑफ कैपिटल से, उसमें से मुनाफा कमा के पूंजी अपनी बढ़ाती गई, और आज 14,740 करोड़ का इनका सेल है, और नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में दिखाया है जो सच नहीं होता। और ये भी नंबर एक की सेल है, जो हाँ, दो नंबर ही धंधा है जो काला, वो तो अलग है, वो तो अलग है। एक नंबर का जो उनका मुनाफा है, जो उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में दिखाया है, वो उनका मुनाफा है 1,925 करोड़ रुपए। 1,925 करोड़ रुपए माने लगभग 2,000 करोड़ रुपए। तो 2,000 करोड़ रुपए वो एक साल में कमा रही है सिर्फ 24 लाख रुपए की पूंजी लगाकर। तो आप बताओ, पूंजी उनके यहां से हमारे यहां आ रही है या हमारी पूंजी उनके यहां जा रही है? कितना गुना हो गई है 24 लाख से, इसको काउंट करें करीब, तो ये 2000 गुने से ज्यादा निकलेगा महाराज जी, 2500 गुना। हर साल जितना लाए थे उससे 2500 गुना ज्यादा लेके जा रहे हैं। तो आप बताइए, पूंजी यहां आ नहीं रही है, यहां से जा रही है। और एक दूसरी कंपनी का बोलता हूं, बहुत बड़ी कंपनी है वो भी, उसका नाम है कॉलगेट पामोलिव। कॉलगेट पामोलिव ने हिंदुस्तान में जब धंधा शुरू किया तो उनकी जो इनिशियल पेड अप कैपिटल है, भारत में लाई गई पूंजी, वो मात्र 15 लाख रुपए है, मात्र 15 लाख। और उस कंपनी का एक साल का जो सेल है, माने कुल बिक्री है, वो 1,385 करोड़ की है, माने 1,400 करोड़, और उसका एक साल का शुद्ध मुनाफा नेट प्रॉफिट 231 करोड़ है। 15 लाख रुपए लगाकर
231 करोड़ रुपए साल का कमा रही है, लूट रही है कोलगेट पामोलिव कंपनी। कोलगेट पामोलिव हिंदुस्तान में कब आई है? तो कोलगेट पामोलिव हिंदुस्तान में आई है सन 1948। और एक कंपनी का बताता हूं, है लास्ट ईयर का इनका नेट प्रॉफिट है 231 करोड़। तीसरी एक कंपनी है हिंदुस्तान में जिसका नाम है नोवार्टिस, पहले इसका नाम था सीवा गायगी, अभी इसका नाम हो गया है नोवार्टिस। इस नोवार्टिस कंपनी की भारत में जो पूंजी है वो सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए है, 4.5 करोड़ रुपए। और इसका आज का जो लेटेस्ट जो फिगर्स हैं सेल के, 560 करोड़ रुपए की इनकी टोटल सेल है और नेट प्रॉफिट इनका 94 करोड़ रुपए है। 4.5 करोड़ लगाया इस देश में आने के साल में और अब 94 करोड़ रुपए हर साल का मुनाफा ये लूट रहे हैं। कितने गुना हो गया अंदाजा लगाई। फिर एक कंपनी है उसका नाम है फिलिप्स, ये भी हॉलैंड की कंपनी है, डच कंपनी है। इसका भारत में मूल चुकता पूंजी इनिशियल पेड अप कैपिटल मात्र 1.5 करोड़ रुपए है, मात्र 1.5 करोड़ रुपए। और आज ये कंपनी का पूरा देश में सेल है लगभग 2,890 करोड़ का और नेट प्रॉफिट है इसका 190 करोड़ रुपए का। 1.5 करोड़ रुपए लगाकर 190 करोड़ रुपए साल का ये कंपनी लूट रही है हमारे देश में से। फिर और एक कंपनी है उसका नाम है बायर, ये कंपनी का भारत में इनिशियल पेड अप कैपिटल है 3.5 करोड़ रुपए और ये कंपनी एक साल में जो लूट रही है वो है 56 करोड़ रुपए। फिलिप्स कंपनी आई इस देश में, एक मिनट बताता हूं, फिलिप्स आई है 1960 में, 1959 और 60 में। फिर एक कंपनी का और बताता हूं आपको, विदेशी कंपनियों की लूट के नाम से ये बहुत जल्दी पुस्तक हम प्रकाशित कर रहे हैं, आप सबको सारे आंकड़े मिल जाएंगे। और अभी योग संदेश पत्रिका में भी ये सारे के सारे मुद्दों पर मैंने भाई राजीव जी से कहा है, हर महीने भारत स्वाभिमान के ये जो 11 उद्देश्य और लक्ष्य हैं हमारे, हमारी जो नीतियां हैं इनके साथ साथ ये पूरे जो हमारी स्वदेशी की नीतियां हैं और इन विदेशी कंपनियों ने किस बर्बरता के साथ देश को लूटा उसके संदर्भ में हर महीने योग संदेश पत्रिका के माध्यम से हम देश के दर्द और पीड़ा को स्वर देंगे और पूरे देश में एक बहुत बड़ी आवाज और शक्ति इसके रूप में खड़ी होती रहेगी। ऐसे ही एक कंपनी, सुन लीजिए पहले, एक और कंपनी है ग्लैक्सको, बता दूंगा। ये ग्लैक्सको कंपनी जो है भारत में इनिशियल पेड अप कैपिटल उसका है 8.5 करोड़ रुपए और एक साल का नेट प्रॉफिट इसका है 537 करोड़ रुपए, 537 करोड़ रुपए एक साल का नेट प्रॉफिट। और इसकी सेल है एक साल की 1,712 करोड़ रुपए। फिर एक कंपनी है इसी ग्लैक्सको की सब्सिडियरी कंपनी है, उसका नाम है ग्लैक्सको स्मिथलाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर करके। इस कंपनी का इनिशियल पेड अप कैपिटल है 4.20 करोड़ रुपए और इसका नेट प्रॉफिट है 162 करोड़ रुपए और पूरे देश में इसकी सेल है करीब 1400 करोड़। फिर एक कंपनी है अमेरिका की फाइजर, फाइजर कंपनी का हिंदुस्तान में इनिशियल पेड अप कैपिटल है 2.90 करोड़ रुपए और इसका नेट प्रॉफिट है 338 करोड़ रुपए। ये दवाइयां और कॉस्मेटिक बनाने वाली है, सबसे ज्यादा दवाएं बनाने वाली विदेशी कंपनी फाइजर। और इसकी दवाओं का मुनाफे का जो प्रतिशत है ना, 20-20 हजार प्रतिशत के मुनाफे पर यह दवाएं बेचती है। 20,000 मतलब समझते हैं, 1 रुपए की गोली बन गई तो वो सीधे 20,000 की है बाजार में, उसकी कीमत बनी 1 ही रुपए की है। इस कंपनी के प्रॉफिट परसेंटेज मैंने निकाले थे फाइजर के, एक एक दवा पर इसको 20,000 प्रतिशत, 25,000 प्रतिशत, 18,000 प्रतिशत, 15,000 प्रतिशत का मुनाफा है। एक दो 10-20 प्रतिशत के मुनाफे पे काम नहीं करते,
फिर और एक कंपनी का बताता हूं, यह भी अमेरिकन कंपनी है, एबॉट इंडिया लिमिटेड। इसका हिंदुस्तान में इनिशियल पेड अप कैपिटल 1,40,00,000 रुपए है और इसका नेट प्रॉफिट साल का 68 करोड़ रुपए है और सेल इसकी एक साल की 636 करोड़ रुपए। और एक सबसे खतरनाक विदेशी कंपनी इस देश में है जो अमेरिका की है, उसका नाम है ITC, जो सिगरेट बनाती है और इस देश के लोगों के फेफड़े गलाती है, कैंसर फैलाती है। सबसे ज्यादा बर्बादी करने वाली यह कंपनी है हिंदुस्तान में, ITC। इसका नाम सुनेंगे तो कैसा है, इंडियन टोबैको लिमिटेड, इंडियन टोबैको कंपनी। असल में इसका नाम है अमेरिकन टोबैको कंपनी और भारत में आके इसने नाम बदल के रखा हुआ है इंडियन टोबैको कंपनी। मैंने बताया ना ये बेईमानी करती है, हिंदुस्तान नाम आगे लगा लिया, इंडियन नाम आगे लगा लिया, ताकि आपको लगे कि ये तो स्वदेशी ही है। तो ये अमेरिकन टोबैको कंपनी जिसका भारत में नाम है इंडियन टोबैको कंपनी, इसका इनिशियल पेड अप कैपिटल हमारे देश में है 3,70,00,000 रुपए और इसका एक साल का नेट प्रॉफिट है 3,120 करोड़ रुपए। नेट प्रॉफिट, और इसकी नेट सेल है एक साल की 21,355 करोड़ रुपए। ये ऑफिशियल ऑफिशियल है, ये जो उनकी बैलेंस शीट में उन्होंने बताया, ये सारे इंटरनेट के ऊपर आपको डेटा मिल सकते हैं। और बेईमानी का तो कुछ पता नहीं है। और इस कंपनी का सबसे बड़ा धंधा मैंने बताया क्या है, सिगरेट का। हिंदुस्तान में अरबों सिगरेट का उत्पादन है इसका, इसकी बैलेंस शीट में 20 बिलियन सिगरेट बनाया इन्होंने ऐसा बताया। 20 बिलियन, 20 बिलियन माने 20 अरब, 20 बिलियन सिगरेट बनाया। वो सिगरेट इस देश में लोगों ने पिया ही ना, बिक गया उनका। पिया तो धुआं कितना निकला, पोल्यूशन कितना हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जहरीली गैसें कितनी निकली और पूरे पर्यावरण में फैली। पेड़ कितने कटे और पेड़ कटे वो आप जरा सुन लेना और इसको लिख लेना ताकि हर आदमी को आप ये बता सको। ये कंपनी अपनी 500 सिगरेट बनाने के लिए एक पेड़ काट देती है इस देश में, एक पेड़ काट देती है ये कंपनी 500 सिगरेट बनाने। और कौन सा पेड़, ये नहीं पॉपुलर का जो पतला सा होता है, पीपल का बड़ा पेड़, बरगद का बड़ा पेड़, जो बड़े पेड़ होते हैं ना जिनका तना खूब मोटा होता है, जिसको आप हाथ में भी नहीं भर सकते, इतने चौड़े और बड़े तने का एक पेड़ जब पूरी तरह से कट के बर्बाद हो जाता है तब 500 सिगरेट का उत्पादन होता है। कैसे, हां सुन लीजिए, अब वो जरा समझा देता हूं। आप जानते हैं पेड़ कटता है तब सिगरेट के लिए कागज बनता है। आप जानते हैं सिगरेट लपेटी जाती है तंबाकू के ऊपर, जो कागज लपेटा जाता है वो कागज बहुत ही फाइन किस्म का कागज होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कागज बनाने के लिए सबसे ज्यादा लकड़ी का खर्च होता है और वो लकड़ी पेड़ की होती है। तो ऊपर का कागज जिसमें तंबाकू भरी गई, फिर उस कागज लपेटकर सिगरेट को डिब्बी में बंद करने के लिए फिर कागज लगा कि नहीं, पैकेट वो भी कागज का है और मोटे कागज का है, गत्ते का, और वो ग्लेज्ड पेपर होता है, बहुत चिकना कागज होता है, उसमें और ज्यादा लकड़ी लगती है। फिर उस सिगरेट को बेचने के लिए विज्ञापन दिया गया और विज्ञापन के लिए अखबार का कागज बर्बाद हुआ, वो कागज। पूरा हिसाब जोड़ूंगा ना मैं तो, कोई ऐसा अपने ब्रोशर की। फिर उसके बाद कंपनी अपने पैम्पलेट और ब्रोशर निकालती है प्रचार करने के लिए, उसका कागज। तो पूरा हिसाब मैंने निकाला इस कंपनी की बैलेंस शीट से, 500 सिगरेट जब यह कंपनी बेच देती है तो एक पेड़ इस देश का चला जाता है। 20 अरब सिगरेट हर साल इस कंपनी की बिकती है, कितने करोड़ पेड़ कट रहे हैं जरा सोचो आप। और ये जो लोग बोलते हैं ना ये पूंजी लाते हैं, तो ये पूंजी कितने लेकर के आई, पूंजी लेके आई ये 3.76 करोड़। ये इनका इनिशियल पेड अप 3,76,00,000 रुपए ये लेकर के आए। और अब हर साल ये कहते हैं ये पूंजी लाते हैं लूट के, पूरे देश में भ्रम फैलाया जाता है। कोई न्यूज चैनल देख लो, कोई और वहां पर जो बहस करते हैं ना लोग बैठ करके,
एक दो बार जो है फिर मुझे भी मौका मिला, मैंने कहा क्यों पूरे देश के सामने तुम पढ़े लिखे होकर के बेवकूफी की और मूर्खता की बातें करते हो। पूरे देश के अंदर झूठ बोला जाता है कि पूंजी लाती है, पूंजी लेकर के आए 3,76,00,000 और अब हर साल कितनी लेकर के जा रहे हैं? करीब 3,120,00,000 3,120,00,000 ये तो एक साल में लेके जा रहे हैं बेईमान, एक साल में। अब ये बताओ ये पूंजी का लेकर के आ रहे हैं, देश को लुटा रहे हैं। तो भारत तो ऐसा है कि जैसे जिस माँ का कोई धनी ना हो, जिस माँ का कोई घर घर परिवार ना हो, जिसका कोई बेटा ना हो, जिस माँ का कोई रखवाला ना हो, ऐसे इस भारत माता की हालात इन भ्रष्ट नीतियों ने और भ्रष्ट सरकारों ने कर दी। अब इसको आगे और थोड़ा सा और एक दो बातें बताऊं, कुछ और दो चार बड़ी कंपनियों के बताता हूं कि उनकी पूंजी कितनी है इस देश में, आपका भ्रम दूर हो जाए तो आप दूसरों का दूर कर सके। एक बहुत बड़ी विदेशी कंपनी है कनाडा की, जिसका नाम है बाटा, जूते बेचती है ना बाटा। कहां इसकी फैक्ट्री कहां लगी आपने देखी? इसकी कोई फैक्ट्री नहीं है भारत में, ध्यान रखना। ये अद्भुत एक ऐसी कंपनी है जिसकी कोई फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्रियां हमारे ही देश के लोगों की हैं, जूते हमारे ही लोग बनाते हैं, बाटा उन जूतों को खरीदकर सिर्फ मोहर लगा के बाजार में बेचता है। और जूते पे मोहर कैसे लगती है, ये जिस फैक्ट्री से जूता खरीदते हैं 100 रुपए जोड़े का जूता, और उस पे मोहर लग जाती है 699.95 रुपए 799.95 रुपए एक एक पाई पाई का हिसाब, 999.95 रुपए आपको लगेगा ये तो बड़े ईमानदार है, 5 पैसा भी ज्यादा नहीं ले रहे और इतने बेईमान है, 100 रुपए का जूता जो आगरा में बनता है, कानपुर में बनता है, कलकत्ता में बनता है, जूते सब हमारे देश में बना के उसको 699.95 रुपए का बेच लेते, माने सिर्फ नाम का बेचकर खा रहे हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ब्रांड इक्विटी बेच रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये बाटा कंपनी जब आई ना इस देश में, तो इसकी कुल पूंजी जो चुकता पूंजी है वो मात्र 70,00,000 रुपए की है। ये कब आई थी ये कंपनी? आई है हमारे देश में 1931 में, 70,00,000 रुपए से इसने धंधा शुरू किया है और आज एक साल में लगभग 300 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट ले रही है। ऐसे ही एक कंपनी आई थी जिसने हिंदुस्तान के 17,000 लोगों को मौत की घाट उतार दिया, यूनियन कार्बाइड, भोपाल गैस कांड, 3 दिसंबर 1984 को, आपको याद है सबको। वो अमेरिका की बहुत बड़ी खतरनाक कंपनी है, केमिकल वेपन्स बनाती है, रासायनिक हथियार। वो भारत में आई तो उसने 8,36,00,000 रुपए की पूंजी लगाई थी इस देश में, और जब वो कंपनी यहां से भागी है, इतनी बड़ी दुर्घटना करके उसको यहां से भागना पड़ा, तब उसका एक साल का नेट प्रॉफिट 860 करोड़ रुपए था 1984 में। बहुत सारी कंपनियां हैं। अब जब किताब आपको मिलेगी ना, तो उस किताब में तो आपको ऐसे सैकड़ों नाम मिलेंगे, मैंने उदाहरण के लिए दिए ताकि आप दूसरों को ये बता सकें। ये पूंजी एक पैसे के लाते नहीं, और मैंने जो पिछले 18 साल अभ्यास किया उसमें से जो तथ्य निकला है वो आप हमेशा याद रखो कि एवरेज कोई भी अमेरिकन यूरोपियन कंपनी भारत में आकर $1 अगर लगाती है तो पहले ही साल में वो $3 यहां से कमा के ले जाती है। एवरेज है ये, $1 माने 50 रुपए अगर उस कंपनी ने भारत में पूंजी निवेश कर दिए तो उसी साल में उस 50 रुपए पर 150 रुपए वो कमा के यहां से ले जाएगी। $1 के इन्वेस्टमेंट पे $3 कमाते हैं, इसलिए वो भारत में आते हैं, कोई ज्यादा संस्थान खोलने नहीं आए हैं और हमारे ऊपर कोई दया प्रेम करुणा बरसाने नहीं आए। एक भी कंपनी बताओ पूरे देश में जिसने कोई गरीबों के लिए हॉस्पिटल खोला हो, कोई अनाथालय खोला हो, कोई गौशाला खोली हो, कोई एक भी कंपनी ऐसी जिसने कभी भी देश के किसी युद्ध में मदद की हो, कोई भी एक विदेशी कंपनी जिसने किसी बेसहारा को सहारा दिया हो, किसी विधवा को पेंशन दी हो, ये सारी की सारी विदेशी कंपनियां केवल और केवल इस देश को लूटने के लिए आती हैं, इनका कोई दूसरा मकसद नहीं होता।
मैं आपको एक ताजा घटना सुनाता हूं। आपको मालूम है बिहार में बाढ़ आई और परम पूजनीय स्वामी जी ने उस बिहार की बाढ़ के राहत के लिए देश के लोगों से अपील की, करोड़ों रुपए का डोनेशन आया और खर्च हुआ, ये आपको मालूम है। अब मैं दूसरी घटना इसी के समानांतर सुनाता हूं। बिहार की बाढ़ की राहत में मदद करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पूरे देश को अपील किया, पूरे देश को, तो करोड़ों करोड़ों रुपए की मदद लोगों ने दी, लेकिन एक भी विदेशी कंपनी ने एक रुपया बिहार की बाढ़ राहत में दान नहीं दिया, एक भी विदेशी कंपनी। और बात को ये सेम कहने से बात नहीं बनती, हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि जो है ये जब प्राकृतिक दुर्घटना ये चाइना में हुई, वहां पर भी भूकंप आया, लोगों के घर ढह गए, और जब कोका कोला और दूसरी कंपनियां वहां पर भी, ये सारी दुनिया में फैले हुए हैं, ये इतनी षड्यंत्रकारी हैं, तो वहां के लोगों ने जब देखा कि प्राकृतिक आपदा आई और हजारों करोड़ रुपए हमसे लूट करके ले गई ये कंपनी और हमारी मदद नहीं, तो वहां के लोगों ने कोका कोला पीना बंद कर दिया। हमारे देश के लोग नहीं करते इनका बहिष्कार, लेकिन अब इस देश में एक आवाज उठानी है कि ये तमाम जो विदेशी कंपनियां जो शून्य तकनीकी का सामान लूट करके देश का कई लाख करोड़ रुपए लूट के लेके गई हैं, अब तो एक कसम खानी है कि ना तो विदेशी सामान प्रयोग करेंगे और ना करने देंगे, ना करने देंगे, ऐसी परिस्थितियां खड़ी करेंगे इस देश के अंदर, ऐसा विचार तैयार करेंगे, ऐसा अभियान और आंदोलन। तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारत स्वाभिमान के इस आंदोलन का, इस क्रांति का। अब मैं आपको एक आखिरी आंकड़ा बताना चाहता हूं, ये तो 8-10 कंपनियों के मैंने नाम लेके बताए, ऐसी 5000 से ज्यादा कंपनियां इस देश में हैं। कुल मिलाकर ये 5000 कंपनियां एक साल में 2,32,000 करोड़ रुपए लूट रही हैं, कुल मिलाकर एक साल में 5000 कंपनियां 2,32,000 करोड़ रुपए साल का। और बहुत दुख की बात है कि इसमें से लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए की लूट तो ऐसे सामान को बेचकर वो कर रही हैं जिसको हम खुद बना सकते हैं और अच्छे से बेच सकते हैं। अब मैं वो सामान जरा गिनाना चाहता हूं आपको, विदेशी कंपनियां कौन कौन से सामान बनाकर बेचकर 1,00,000 करोड़ से ज्यादा लूटती हैं साल का, वो हाईटेक और सुपरटेक सामान तो बात ही छोड़ दो आप, जो साधारण सामान है, बाटा का बाता बताया, जूते बेचती है, मोजे बेचती है, जूते मोजे, रेडीमेड कपड़े बच्चों के नेकर, टी शर्ट, बनियान, अंडरवियर, फिर चमड़े के थैले, चमड़े की बेल्ट, चमड़े के थैले, ये ही सब बेचकर ये कंपनी, अचार चटनी तो बताए नहीं। हाँ मैं बता रहा हूं, तो बाटा कंपनी तो ये ही सब चीजें बेचती है। उसके बाद एक कंपनी है ब्रुक बॉन्ड, वो चाय बेच के ही लूट रही है इस देश को, तरह तरह के नाम की चाय उनकी बिक रही है इस देश में, चाय है, कॉफी है, और रसोई घर के कुछ मसाले बेच रहे हैं, इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई हाईटेक नहीं। फिर एक कंपनी है कैडबरीज इंडिया, वो तो चॉकलेट बेच रही है बच्चों की, और चॉकलेट का भाव पता है 1500 रुपए किलो है, हां 10 ग्राम चॉकलेट 15 रुपए की है, 1500 रुपए किलो में इस देश में कौन सी मिठाई मिलती है जरा बताइए मुझे, 3 किलो बादाम आ जाएगा इतने में, काजू की बर्फी ज्यादा से ज्यादा 200-250 रुपए किलो, बूंदी के लड्डू बहुत अधिक तो 60-70 रुपए किलो, बेसन के लड्डू 100-150 रुपए किलो, मावे की बर्फी 100-150 रुपए किलो, अच्छी से अच्छी मिठाई आप 100-150 रुपए किलो में खा सकते हैं, चॉकलेट 1500 रुपए किलो, और चॉकलेट बनने में क्या लगता, दूध लगता है जो 10 रुपए लीटर का मिलता है इस देश में, और क्या लगता है, उसको 1500 रुपए किलो में ये कंपनी बेचती है कैडबरीज इंडिया। फिर एक कंपनी है कोलफैक्स, वो बनाती है शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव लोशन, फिर कॉलगेट पामोलिव बनाती है टूथपेस्ट, टूथब्रश, टूथ पाउडर, साबुन, शेविंग क्रीम। फिर एक कंपनी है विदेशी कॉर्न प्रोडक्ट्स, वो तो मक्के के दाने बेचती है बस, वो सुना है कॉर्नफ्लेक्स, आजकल पढ़े लिखे मूर्ख लोग उसका बहुत नाश्ता करते हैं,
मैंने एक कैटेगरी बनाई है एजुकेटेड इडियट्स की, वो मकई के दाने के भुने हुए हिस्से को रोज सवेरे दूध में मिला के खाते हैं 300-400 रुपए किलो, मक्का मिलती है 15 रुपए किलो। तो वो कंपनी है कॉर्न प्रोडक्ट्स लिमिटेड। फिर एक कंपनी है ड्यू फार इंटरफेन, ये तो सिर्फ सौंदर्य प्रसादन की चीजें बनाती है। फिर एसकेएफ एक कंपनी है, वो दर्द निवारक मलहम बेचती है इस देश में, उस मलहम की कीमत है 1000 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो। फिर एक कंपनी है फिस्कर्स करके, वो कैंची चाकू और ये आल पिन और सेफ्टी पिन बनाती है। फिर एक फन स्कूल कंपनी है, वो बच्चों के खिलौने बनाती है। फिर जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका की बड़ी भारी कंपनी है, पंखा बल्ब बिजली की ट्यूब ये सब बनाती है। जॉफरी मैनर से टूथपेस्ट टूथब्रश बनाती है, ग्लैक्सको बेबी फूड वगैरह और कुछ दवाएं बनाती है। गॉडफ्रे फिलिप्स है एक बहुत खतरनाक कंपनी आईटीसी जैसी, जो सिगरेट बेचती है और चाय बेचती है। फिर उसके बाद ग्रामोफोन इंडिया है, रिकॉर्डर कैसेट बनाती है। तो ये सब चीजें जो आप सुन रहे हैं, ये लंबी लिस्ट है, किताब में मिल जाएगी। आप बताओ इसमें हाईटेक क्या है? इनमें से कौन सी कंपनी है जो मिसाइल बनाती है, सुपर कंप्यूटर बनाती है, सैटेलाइट बनाती है, जो हमारे देश में अर्जुन टैंक बनाती है, या बड़े बड़े हथियार बनाती है? कुछ नहीं है।